गुड मॉर्निंग गाइस, उठ चुका हूँ मैं। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। आज नींद आई थी तगड़ी वाली यार, रात में सो गया था मैं जल्दी थोड़ा। बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा था। क्या क्या है बता दो गाइस को। क्या तड़के में क्या स्पेशल है? यार पकौड़ी मम्मी एक जगह की मैंने खाई थी, एक पंजाबी ढाबे की। इतनी सॉफ्ट पकौड़ी है ना, ये तो हार्ड रहती है, तो मज़ा नहीं आता। खा के पता चलेगा, देखने में तो लगी है टाइट टाइट। ऐसे कैसे खा लो, अभी जा रहा हूँ मैं जरा मार्केट। बाय मम्मी, और मेरी झड़प हो गई, बहुत तगड़ी होती है। हेलो हेलो हेलो, दादी दादी नहा के तैयार हो जाओ, डॉक्टर के यहाँ जाना है आंखें दिखाने के लिए। डॉक्टर के पास? हाँ आंखें दिखाने आपकी। पर्चा लगवा के आ गया हूँ मैं, आंखें दिखानी है आपकी, नहा के तैयार हो जाओ आप, ठीक है? पता नहीं क्या हो रहा, सिर दर्द हो रहा है। आज नाग पंचमी है। अच्छा। उठ जाओ ऐसा उठ के, सिर दर्द हो रहा था दादी। नाग पंचमी, बहुओं को दूध पिला देना आज कटोरे में। बहुओं को सांपों को बुलाया जाता है ना, बहुओं को बुला देना। आप फिर माँ करेंगे। यार दादी भी एकदम विस्फोटक इंसान है, अब कह रही कि मैं वो नहीं कराऊंगी, जांच नहीं कराऊंगी आंखों की। आंखों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी ना, पानी आ रहा है उनकी आंखों में। अब पता नहीं यार, पापा ही मनाएंगे मुझसे तो फिर हो जाएगा। तो यार फिलहाल मैं जा रहा हूँ नीचे, क्योंकि मुझे अपना भी पर्चा ढूंढना है, क्योंकि मैंने भी आई साइड का अपना टेस्ट करवा लिया है यार, मतलब पर्चा लगवा दिया है, जाके टेस्ट करा लूँगा। हालांकि मुझे तो सही दिख रहा है, लेकिन फिर भी रेगुलर चेकअप के लिए ना 6-7 महीने में एक बार करा लेना चाहिए। हो सकता है थोड़ी बहुत आई साइड ऊपर नीचे हुई हो, कुछ सही हो गई होपफुली। तो बस निकलता हूँ मैं, पर्चा ढूंढ लेता हूँ यार, बहुत देर हो जाएगी। भाई एकदम जोरदार कड़ी बना दी है, तो मैं तो नहा के रेडी हो चुका हूँ, मैं जाने के लिए तैयार भी हो चुका हूँ वहाँ पे आई साइड टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टर के। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई यार, दादी ने मना कर दिया। दादी कह रही है मैं नहीं जाऊँगी, मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है। उनका हमेशा का ये, वो बहाना कर देती है कुछ ना कुछ, मतलब जस्ट उन्हें पता नहीं डर रहता है क्या रहता है डॉक्टरों का, वो हमेशा ही कर देते हैं। उनका पर्चा लगवा के आगे तो उतने पैसे वेस्ट चले जाएंगे उनके, मान ही नहीं रही यार, ज़बरदस्ती तो ले जा नहीं सकते। मतलब सबने बोल दिया है घर पे, पापा ने मम्मी ने सबने बोल दिया, लेकिन नहीं मान रही तो क्या किया जा सकता है। फिलहाल मुझे तो अपनी ऐसा टेस्ट करवानी है, तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा, तो मैं निकल रहा हूँ बस जल्दी से और वहाँ जाके दिखाता हूँ। तो यार डॉक्टर साहब को तो दिखा कर आ गया मैं, और मेरी आँखें एकदम नॉर्मल है यार, मतलब जैसी थी वैसी ही है। डॉक्टर साहब ने कहा एकदम कॉन्स्टेंट है, जैसे पिछली बार नंबर था वैसे इस बार नंबर है, तो कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। फिलहाल अभी मैं घर आ गया हूँ, और मुझे लग रहा था बारिश हो जाएगी, इस वजह से मैं जल्दी निकल गया था। अभी दादी को लेकर के दोबारा जाना है उसी हॉस्पिटल में उसी जगह। वैसे डॉक्टर साहब के साथ एक बड़ी अच्छी बात हुई कि वो 10-15 मिनट तक कन्वर्सेशन होती रही हमारे बीच में बैठ के। वैसे मेरे साथ ऐसा होता, मैं बैठ जाता हूँ किसी के साथ बातें होने लगती हैं तो बहुत देर तक खिंच जाती है बातें। तो एटलीस्ट 15 मिनट में उनके साथ बैठूंगा, और बैठ के बहुत सारी चीज़ें पूछ रही थी, क्या करते हो, कहाँ पढ़ते हो, कैसे करते हो। और फिर उसके बाद स्टार्टअप के बारे में पूछ रहे थे, स्टार्टअप के बारे में बता दिया, तो बड़े इंप्रेस हो रखे थे यार। तो फिर देखते हैं, दादी को लेकर जाते हैं फिलहाल। तो तैयार हो गई दादी? अच्छी लग रही हो तैयार होके? क्या अच्छी लग रही हो तैयार होके? भूत की लगोगी, अच्छी लग रही हो, स्मार्ट लग रही हो, ब्यूटीफुल। चलो ना क्रीम, अरे ऐसे ही अच्छी लग रही हो बिना क्रीम बिना पाउडर। हाँ बहुत अच्छी, बहुत गोरी चिट्टी लग रही हो, मस्त एकदम। रुक जाओ अभी लेकर आना ई रिक्शा, दादी को लेकर जा रहे हैं हॉस्पिटल। Yeah.
तो मेरा तो बताया था डॉक्टर ने एकदम नॉर्मल ही है, दादी का भी एकदम नॉर्मल बताया, बताया बुढ़ापे के हिसाब से जिनकी जितनी एज है ना, जितनी दादी है उसके हिसाब से बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और खुरच भी गई है थोड़ी सी मेरी, पता है स्कूटी स्लिप हो गई है, और स्लिप कैसे हुई कि मिट्टी हो रखी थी, मैं बस टर्न ले रहा था तो स्किड कर गई, स्कूटी गिरी नहीं, लंबी टांगों का फ़ायदा मिल गया, पैर लगा दिया तो गिरी नहीं, ना स्कूटी पर दिक्कत आई ना मुझे, बस हाथ पर थोड़ी सी लगी है। क्या हो गया एकदम धमाका कैसा हुआ ये देखो, उछाले जा रही हैं चीज़ें, कहाँ गिरा दिया, पैर पे तो नहीं लगी आपके, पैर पैर बच गया, अरे छोड़ो पर उधर तो गिरा होगा, तो दो बार गिर गया ये, मुझे लगा मम्मी पता नहीं कि कब फोड़ दिया, अभी कब की बात हो रही थी। मम्मी रेसिपी बता दो यार, कड़क चाहिए, देखो इतनी अदरक डालो और ये काली मिर्च और लौंग डाल दो उसमें दबा के, और दबा के पानी गर्म करो बहुत देर तक खोलाओ, यही इसका सीक्रेट है नहीं है, और फिर कैसी बन जाती चाय एकदम जबरदस्त। 200 हो गए मम्मी, पिला नहीं पाएंगे हम, 200 हो गए पिला नहीं, अब पिला देंगे। देखिए यार आज खाने में क्या बनाऊं, अरे भाई पीली दाल बनी हुई है, चावल बना हुआ है भाई, इससे बेहतर कुछ नहीं, मजा आ गया। तो हाल फिलहाल आज इतना ही यार, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मेरी नेक पेन हो रही है आज मेरी, पता नहीं कैसे सो गया था शाम के टाइम में। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कल मिलता हूँ सुबह 10 बजे, तब तक के लिए गुड नाइट, इतना ध्यान रखिएगा। इनको पता नहीं खीरा दिखाने का क्या शौक आ रहा है इसमें।